अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी पेपर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। आज घर में अकेली थी, सब काम पे चले गए, स्कूल चले गए, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे। ये देखिए, वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, एक छोटी सी सैर करवा दूँ मेरे बैकयार्ड की। ये देखिए, ये है करेले के प्लांट्स। मार्केट में फ्रेश करेले मिले थे मुझे, उसके बीज को मैंने पॉटिंग मिक्स में डाल के रखा, तो उसी से उगे हैं ये प्लांट्स। ये है कड़ी पत्ता। वेदर चेंज हो रहा, कलर देखा आपने उसका, लीव्स का। और ये है अजवाइन, इतनी प्यारी स्मेल होती है ना इसमें। देखिए ओवरऑल लुक गार्डन का। अभी अच्छा सा वेदर हो रहा है, ठंडा ठंडा सा वेदर, और बहुत सारा कीड़ा भी लगा हुआ है फिलहाल। ये देखिए, ग्रास ओपर ने सारे पत्ते खा लिए इसके। लास्ट वीक तो काफ़ी बारिश हुई थी, मुझे लगा कि जो बैंगन के मैंने लगाए थे वो सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सर उठा रहे ये प्लांट्स। अभी कैप्सिकम में देखिए, कैप्सिकम भी ज़्यादा खुश नहीं है बारिश की वजह से। और ये सुबह सुबह मैंने के इसको थोड़ा सा शेप दिया, पूरा शेप आउट हो गया था ये क्लाइंबिंग रोज। तो सुबह आज मैंने सुबह 5:30 को मैंने ये काम फिनिश किया। अभी वेदर चेंज हो रहा ना, तो देखिए ज़्यादा फूल है नहीं, सब ख़त्म पे है सीज़न, बस पत्ते ही पत्ते हैं। लेकिन आपने देखा कितनी खूबसूरती है पत्तों में भी। ये देखिए, एक लौता हरी मिर्च जो कि लाल हो चुकी है, अभी मैंने इसको भी ट्रिम किया था। ये है धनिया, हरा धनिया। लास्ट 2 वीक्स पहले मैंने इसको शायद लगाया था सीडलिंग्स लाके। ये देखिए रोज़ेस भी ख़त्म पे है, बस ये लास्ट फ्लावर्स है शायद ये सीज़न के। ये है गुआवा जो है जाम अमरूद। ये भी है रोज़ेस, देखिए सब ख़त्म, बस फेयरवेल वाले रोज़ेस है ये। और शायद यहाँ पे मैंने ये लगाए थे पीस, शायद एक ग्रीन पीस है शायद, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है मैंने क्या लगाया था यहाँ पे। रमज़ान की वजह से मैंने बहुत इग्नोर किया इस बार ये प्लांट्स को, बिल्कुल तवज्जो नहीं दी मैंने इसको। ये देखिए, यही है सुबह मैंने जो साफ़ किया था गार्डन, पिछले 2 दिन से मैं काम से लगी हुई थी। ये है हमारा ग्रीन बिन जिसमें जाता है सारा वेस्ट, गार्डन वेस्ट। देखिए ये है फ्रंट यार्ड, घास अभी मूव करने वाली है, काफ़ी बड़ी हो गई। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा कलर है, साइड यार्ड में तो कुछ नहीं, कोई फ्लावर नहीं। देखिए कितना प्यारा सा, माशाल्लाह से कितना क्यूट सा ये मिनी रोज है, ऑरेंज कलर। और ये है गेंदा फूल जिसको कहते हैं, ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे कलर है, ये भी मिनी रोज़ है, बहुत ही प्यारा सा। ये बंचेस में होता है क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म पे है तो ज़्यादा नहीं है, एक आधी लगा हुआ है। और ये देखिए इतने प्यारे कलर्स होते हैं ना इसमें। ये ग्राउंड कवर है तो ये ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, हाइट में सारा ग्राउंड कवर करते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारे से माशाल्लाह से फ्लावर से, और कलर्स भी बहुत अच्छे कलर्स हैं इसमें। देखिए हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट होने लगी है। और ये फ्लावर्स को शायद कहते हैं गजानियास, हाँ शायद गजानिया है नाम इसका। इनके बहुत प्यारे कलर्स होते हैं और बीस इतने पसंद करते हैं ना फ्लावर्स को। शायद इसमें हनी ज़्यादा होता होगा, अगर आप सुबह सुबह आके देखो ना तो ढेर सारे बीस होते हैं इसके पास, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा होता है वो तो। पर्पल डेसी भी ख़त्म, ये है जरानियम्स, ये भी सब ख़त्म हो चुका। यहाँ पे मैंने थोड़े से बीन्स लगाए थे, ये शायद अब मुझे नाम याद नहीं है इसका, लेकिन बहुत प्यारे कलर्स थे, मिक्स कलर के फ्लावर्स थे कुछ। ये देखे, स्कूल हॉलीडेज ख़त्म हो गए, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला ये सब करने का। ये देखिए, ये है अदरक कुछ दिन पहले मैंने लगाया था, आई थिंक लास्ट वीक शायद। ये 2 मिनट है और ये लास्ट वाले में भी है अदरक, मैंने पहली बार ही लगाया, अब देखते हैं होता क्या है इसके साथ। देखिए ईद को हुए हुए हो चुका 1 हफ्ता, तो फिर मैंने सारा कुछ हटाया, ये डेकोरेशन रमज़ान वाला और ईद वाला। अब सबसे बड़ा काम है इसको पैक करके रखना। 1 हफ्ते से टला रही थी ये काम को, मोटिवेशन मिल नहीं रहा था इसके लिए। आज मैंने सोच लिया कि पहले ये काम करूँगी उसके बाद ही घर का काम, तो फिर मैंने शुरुआत की। वॉल पे जितने सारी चीज़ें थी मैंने वो हटाई, उसके बाद ये देखिए लाइट से मैंने इसको पैक कर लिया दीवार पे ही। मुझे ऐसा पैक करना इजी लगता है। देखिए ये यूज़ किए हैं मैंने टाइस जो फ्रीज़र बैग्स में मिलते हैं ना,
ये फ्रीज़र बैग के टाइस है, ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगते हैं लाइट्स पैक करने के लिए, तो हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ। ये बहुत आराम से कोल्स या वुलवर्स पे मिल जाएंगे आपको। देखिए सारा कुछ मैंने पैक कर लिया। आपके पास कोई और अच्छा आइडिया है लाइट्स पैक करने का तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैंने ये क्लिप्स भी निकाल लिए वॉल पे से, ये देखें। अब मैं आ गई असली काम की ओर। देखिए कितना कुछ है ना यही काम से डर रही थी, एक हफ्ते से भाग रही थी यही काम से, लेकिन ये तो करना ही है, आज नहीं तो कल मुझे ही करना है। तो फिर मैं बैठ गई ये सब पैक करने के लिए। जब मैं ये लगा रही थी ना रमज़ान में, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैंने इतनी खुशी खुशी ये सारे लगाए दीवार पे, लेकिन जब मैं इसको पैक करके रख रही थी दिल बड़ा उदास हो गया था। रमज़ान कैसा होता है ना, इतनी खुशी होती है रमज़ान के महीने के आने की, हम इतना वेट करते हैं, जब रमज़ान चला जाता है तो दिल बहुत उदास हो जाता है। आज शाम में जब बच्चे वापस आएंगे घर स्कूल से तो मुझे पता है बहुत डिसअपॉइंट होंगे ये लोग खाली खाली दीवारें देख के, क्योंकि एक महीने से इतनी रौनक थी ना माशाल्लाह से घर में। अब बच्चे मिस करेंगे ये सारे लाइट्स और ये ईद वाला डेकोर सब कुछ। ये देखिए सारा डेकोर मैंने इसमें अच्छे से पैक करके रख लिया ये बैग में। ये बैग मैंने लिए थे आइकिया से। इतनी मेहनत करने के बाद मैं डिजर्व करती हूँ ना एक टी ब्रेक उसके बाद मैंने एंट्रीवे में से टेबल और मैट्स हटाए, उसको बहुत अच्छे से वैक्यूम किया। वैक्यूम करने के बाद मैंने उसको मॉप कर लिया, स्प्रे मॉप से मैंने इसको साफ़ किया था, क्योंकि मेरे फ्लोर्स के लिए आइडियल है स्प्रे मॉप, मैं स्टीम मॉप यूज़ नहीं कर सकती इस पर। तो फिर मैंने थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड और वार्म वाटर के साथ मैंने इसको अच्छे से वाइप कर लिया सारा फ्लोर। फ्लोर को मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं गई गैराज में, फिर से मैंने अपना पिटारा खोला वहाँ से ये ट्रे उठा लाई। ये ट्रे मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट ट्रे है। ऑस्ट्रेलिया में अभी चल रहा है ऑटम, तो मैंने कोशिश की सारा डेकोर वॉर्म और ऑटम कलर्स में रखने की। ये देखिए थ्रो और मैंने कुशन रख लिया था। ये रहा अपना एंट्री वे बैक टू नॉर्मल। लिविंग रूम का मिरर और लिविंग रूम वाला टेबल भी मैंने एंट्री वे में ला के रखा। देखिए नोट किया आपने, ये टेबल और मिरर पहले था लिविंग में। ये देखिए लुक इसका कितना प्यारा लग रहा ना माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत। वैसे पर्सनली वॉर्म कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने एंट्री वे डोर का भी चेंज किया, यहाँ से भी ईद वाला बैनर मैंने हटाया, ईद मुबारक आउटडोर बैनर लगा हुआ था, यहाँ पे भी ईद वाला बैनर था, ये दो को भी मैंने चेंज किया। फिर यहाँ पे एंट्री वे टेबल पे मैंने रखा लैम्प, कैंडल स्टैंड्स और प्यारी सी बुक जिसमें है वॉर्म कलर्स। मेरी फेवरेट ट्रे भी आ गई यहीं पे। देखिए कितना प्यारा लग रहा ना, ये देखिए इतना प्यारा सा वाज रखा था, ये वाज मेरे बेटे ने गिफ्ट किया था मुझे। ये देखिए प्यारा सा एंट्री वे। ये डेकोर फिनिश करके एंट्री वे का मैं गई बफे के पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी थी। यहाँ पे मैंने थोड़े जिंजर जार्स में ग्रीनरी रखा और उसके बाद लैम्प, थोड़े से कैंडल स्टैंड से। देखिए कितना खूबसूरत, मुझे लगता है ना चार दीवारें तो सभी के घर में होती है। घर में ना एक वॉर्म चाहिए, वो एक वाइब चाहिए, वो एक अपनापन चाहिए। मुझे लगता है वो छोटी छोटी चीज़ें रखने से, डेकोर करने से, हर कॉर्नर को सजाने से ही, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, मुझे लगता है कि बस खुशी इसी में है, चाहे घर कितना बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमें बहुत प्यार से अपनाना चाहिए। हर कॉर्नर को, हर कमरे को हमें बहुत प्यार से सजाना चाहिए। वो एक कहावत है ना, होम इज़ नॉट ए प्लेस इट्स ए फीलिंग, कितनी सही बात है ये। दौलत का होना ज़रूरी नहीं, ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सब के घर खुशियों से भर दे और उन्हें सुकून देने वाली जगह बनाए, इंशाल्लाह आमीन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमें दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।